बात करेंगे बच्चों। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, देखिए जब हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू, सबसे ज्यादा भरपूर मात्रा में पाया जाने वाला वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होता है। और इसका जो स्पेशल फंक्शन होता है, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को लिंक करना, कनेक्ट करना, ठीक है, और उनको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करना। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कार्टिलेज आती है, बोन्स आते हैं, टेंडन्स है, लिगामेंट्स है, एडिपोज टिश्यू है, एल्यूलार कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, ये सब हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं। एंड जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ब्लड को छोड़कर के, द सेल्स सीक्रेट फाइबर्स ऑफ प्रोटीन, जिनको हम बोलते हैं कॉलेजन और इलास्टिन। तो कॉलेजन और इलास्टिन क्या होते हैं, प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं जो सीक्रेट होते हैं ब्लड को छोड़ करके। एंड ब्लड इज द लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, और ये फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारे पास। जो फाइबर्स होते हैं, जो इलास्टिन है, जो मैंने आपको बताया कॉलेजन है, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। एंड देयर इज अ मेन थिंग कि मान लीजिए कोई भी टिश्यू है वो सेल से बना, अब इस सेल के अंदर हम देखते हैं साइटोप्लाज्म जो है उसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं मैट्रिक्स। तो डिपेंड करता है कि ये जो मैट्रिक्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ये जो साइटोप्लाज्म यहाँ पर प्रेजेंट है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये जेली फॉर्म में है, ये रिजिड है, किस हिसाब से है, उसी के बेसिस पे हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू का नेचर डिसाइड होता है। अगर मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में है तो हमारे पास वो क्या हो गया, ब्लड हो गया। अगर ये रिजिड है तो हमारे पास बोन हो गया। जेली फॉर्म में है तो हमारे पास कुछ ना कुछ और टिश्यू हो गया, व्हाट इट। तो हमारे पास इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास क्या होगा। सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस यानी कि मैट्रिक्स बिटवीन द सेल्स, इन बिटवीन द सेल्स, इट इज अ मॉडिफाइड पॉलिसेल। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को दो चीजें और बताई थी, देयर इज अ टेंडन एंड लिगामेंट, ठीक। तो जो टेंडन होते हैं ये बोन को स्केलेटल मसल से कनेक्ट करते हैं, और दूसरी तरफ जो लिगामेंट्स होते हैं ये मेनली जॉइन करती है दो बोन्स को एक दूसरे के साथ, जो टू बोन्स ईच है। चलिए बहुत सिंपल बातें होगी। अब देखते हैं कि जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है हम लोग यहाँ पर इनको कैटेगराइज करते हैं तीन टाइप्स में। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे जी, इनको कैटेगराइज करते हैं थ्री टाइप्स, देयर आर थ्री टाइप्स, तीन टाइप हमारे पास यहाँ पर इसकी प्रेजेंट होती है, जिसमें सबसे पहले आता है यहाँ पर लूज कनेक्टिव टिश्यू। इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हमारे पास है एक लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और थर्ड है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। चलिए थर्ड है हमारे पास स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। एक एक करके तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लूज कनेक्टिव, नाम से ही पता चल रहा है लूज कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो लूजली होता है, जो लूज होता है। नॉर्मली इसके जो सेल्स है, इसके जो फाइबर्स होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं इन अ सेमी सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंस, एक सेमी सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर होते हैं, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से काम होता है। देखो ये मेरे पास यहाँ पर बच्चों सेल है, बात नंबर एक, ये मेरे पास यहाँ पर सेल है, और हम लोग क्या देखते हैं कि ये सेल है दो तरीके से चीजों को रिलीज करती है, दो तरीके से चीजों को रिलीज करती है। सबसे पहली चीज, एक तो फाइबर्स सीक्रेट करती है यहाँ पर, ठीक है जी, एक्सेप्ट ब्लड, ठीक है। दूसरी चीज ये बेसिकली क्या है, दीज आर द मॉडिफाइड पॉलीसेल, ठीक है जी, इसी को हम लोग यहां पर बोलते हैं बच्चों ग्राउंड सब्सटेंसेस बोला जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो किस तरीके से होता है, सुनिए।
देयर इज अ स्ट्रक्चर ये है हमारे पास इधर में फाइबर्स, तो ये मैंने बताया फाइबर सीक्रेट करते हैं, फाइबर्स हो गए हमारे पास बच्चों करीब, और ये कहलाता है मेरे पास फाइब्रोब्लास्ट, जिन्होंने क्या करे यहाँ पर भी फाइबर्स रिलीज करे इधर, ठीक है, दीज आर द फाइबर्स रिलीज बाय द फाइब्रोब्लास्ट, जो यहाँ पर इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी, स्ट्रेंथ भी है। कनेक्टिव टिश्यू अगर मेरे पास तीन तरीके के, जो सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू है, तो लूज से पता चला हमारे को, यानी कि इसकी जो सेल्स होगी लूज कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स होगी, और इस तरह के फाइबर्स उसमें भी होंगे, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के भी फाइबर्स होंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू की भी सेल्स होंगी, लूज कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स होंगे, और ये अरेंज होते हैं सेमी सॉलिड ग्राउंड सरफेस, ना कि जो ना तो फ्लूइड है ना जेली फॉर्म में है लगभग लगभग, और ना ही आपका सॉलिड है, सेमी सॉलिड हमारे पास स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ये अरेंज होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू। और इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से टिश्यू आते हैं, देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू सबसे पहले एडिपोज टिश्यू, और दूसरा है मेरे पास एरियोलॉयड, ठीक है, आप लोगों ने छोटी क्लासेज में पढ़ोगे, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू है, ये दोनों को दोनों हमारे पास कैसे होते हैं बच्चों, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये दोनों हमारे पास यहाँ पर लूज कनेक्टिव टिश्यू है। एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं, देखो सबसे पहले है हमारे पास एडिपोज टिश्यू और एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम बात करते हैं एडिपोज टिश्यू के बारे में, याद रखना ये रिलेटेड है मेरे पास फैट, ये मेरे पास रिलेटेड है किस चीज से बच्चों, फैट से रिलेटेड है, यानी बॉडी के अंदर जहां जहां पर भी फैट है इसका मतलब वहां पर हमारा एडिपोज टिश्यू है, ठीक है। तो सर क्या एडिपोज टिश्यू हमारे लिए बेकार होता है, देखो ऐसे तो फैट भी बेकार होता है, लेकिन फैट की भी टाइप्स होती है, एक तो फैट है जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और उनको इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, एक फैट तो ये हो गया, ठीक है। कई बार क्या होता है, मान लो कोई बंदा ही फैटी है तो इसका मतलब ये कौन सा फैट है, देखो वो भी एडिपोज टिश्यू है ज्यादा है, लेकिन जो खतरनाक फैट होता है, कई बार ऐसा हो सकता है कोई बंदा बहुत ज्यादा मतलब हैवी ना हो, लेकिन हो सकता है उसके अंदर जो फैट हो वो ट्रांस फैट हो, ट्रांस फैट थोड़ा सा हानिकारक होता है, मैं आपको बता दूं ट्रांस फैट में क्या होता है कि जो लोग जंक फूड ज्यादा खाते तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा हाई फ्लेम के ऊपर जब चीजों को गर्म किया जाता है बनाया जाता है तो उसके अंदर जो फैट होता है वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जो बॉडी में इकट्ठा होता है जो खतरनाक होता है। अदरवाइज अगर हमारी बॉडी में फैट है तो वो एक तरीके का रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट है, बॉडी का मैकेनिज्म उससे एनर्जी ड्राइव कर रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट को एज अ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट यूज करता है, फैट को एज अ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट यूज करता है, तो वो तो बाय डिफॉल्ट बर्न हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन ट्रांस फैट जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है, तो इसलिए उसे भी बर्न करना जरूरी होता है, वो थोड़ा सा कई बार खतरनाक होता है, जैसे वो कोलेस्ट्रॉल का इश्यू होता है, हार्ट अटैक का इश्यू होता है, रिसेंटली आप लोगों ने देखा भी है ना। तो एडिपोज टिश्यू बेसिकली फैट होता है लोकेटेड मोस्टली बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे पाया जाता है, फैटी टिश्यू होता है, और नॉर्मली इस टिश्यू की जो सेल्स होती है, भाई ये टिश्यू है तो टिश्यू की सेल्स होती है, तो इस टिश्यू की जो सेल होती है उसका नाम है यहाँ पर एडिपोसाइट। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एडिपोज, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल ऑफ एडिपोज टिश्यू, तो ये हमसे यहाँ पर पूछा जाएगा, कुछ नहीं करना आपको, इसका डायग्राम बना देना है, यहाँ पर एडिपोज टिश्यू एडिपोसाइट से हमारे पास है, कई बार डायग्राम आ जाता है तो डायग्राम से आपको आइडेंटिफाई करना होता है, जैसे एडिपोज टिश्यू का मैं आपको डायग्राम बना करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास है, इस तरीके का हमारे पास जो टिश्यू है बच्चों एडिपोज टिश्यू कहलाता है, बेसिकली इस तरीके का नॉर्मल डायग्राम है, कई बार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो इसके अंदर हम देखते हैं दिस इज द फैट स्टोरेज एरिया, ये है हमारे पास इधर में
पैट स्टोरेज एरिया जहां पर हमारा पैट स्टोर होता है, दिस इज द न्यूक्लियस और ये है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसकी एडिपोसाइट्स। ठीक, क्लियर है चीज। एडिपोस टिश्यू के बारे में इतनी ही बातें हैं और इसके अंदर सिर्फ ये चीज याद रखना कि इसका जो मैट्रिक्स होता है वो हमारा सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है। दूसरे नंबर पर है मेरे पास एरियोलार टिश्यू। एरियोलार टिश्यू के ऊपर थोड़े से क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर जो है ज्यादा पूछे जाते हैं। एरियोलार टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो एरियोलार टिश्यू इज द वन एग्जाम्पल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये भी हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। और नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, इट इज आल्सो प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। ये भी स्किन के नीचे ही पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जो एरियोलार टिश्यू होता है इसका मेन फंक्शन होता है एक तरीके से सपोर्ट द फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, एक सपोर्ट द फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम जो एपिथेलियम टिश्यू होता है, तो उसका यहाँ पर जो होता है उसके फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है। मान लीजिए कोई भी ऑर्गन है उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक शेप होगी तो उसके ऊपर ही तो हमारा एपिथेलियल टिश्यू चढ़ेगा। ठीक है, अब उसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, जब कोई फ्रेमवर्क नहीं है तो सोचिए कैसा होगा। मान लीजिए एक कोट है, टी शर्ट है, शर्ट है, मैंने हैंगर में डाल दी तो अपनी प्रॉपर शेप में हैंगिंग है। अब मैं अगर वो हैंगर ही नहीं है तो सोचो उसकी शेप बिगड़ जाएगी, नहीं बिगड़ जाएगी, उसकी पेसिंग खराब होगी नहीं होगी, तो वो फ्रेमवर्क खत्म हो गया। तो हम देखते हैं कि वो एपिथेलियल टिश्यू को चढ़ाने के लिए, कवरिंग के लिए एरियोलार टिश्यू क्या करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, उस फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है, तभी तो एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग प्रोवाइड कर पाएगा लंग्स के ऊपर, हार्ट के ऊपर। व्हाट इट एंड इट कंटेन सेल्स। अब इसके अंदर सेल पाई जाती है, कौन सी सेल पाई जाती है, ये फाइब्रोब्लास्ट। यहाँ पर हमारे पास ये सेल है फाइब्रोब्लास्ट जो रिलीज क्या कर रही है, फाइबर्स यहाँ पर रिलीज कर रही है। लेकिन इसके अलावा इसके अंदर कुछ और भी सेल्स होती है, देयर आर सम अदर सेल्स। एक तो ये फाइबर रिलीज हो गए, उसके अलावा मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये हो गए हमारे पास फाइबर। उसके अलावा देखिए कुछ इस तरीके की सेल होती है, दिस इज द मैक्रोफेज, दिखाई दे रहा है, इट इज अ मैक्रोफेज। ये कुछ कौन सेल है हमारे पास है जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, मैक्रोफेजिस बोलते हैं। ठीक है, इनका क्या काम होता है वही बताता हूँ। देयर आर सम अदर सेल्स, दीज आर द मस्ट सेल, दीज आर द मस्ट सेल। आप देखेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर कुछ कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको विजिबल होगा। ठीक है, एरियोलार टिश्यू का है, इस टिश्यू के अंदर देखिए आप देखेंगे फिब्रोब्लास्ट है, ये मस्ट सेल है, यहाँ पर ये मैक्रोफेजी सेल्स है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि इन्हीं के अंदर कोलेजन फाइबर्स भी पाए जाते हैं। ठीक, अब होता क्या है, अगर मैं बात करता हूँ मैक्रोफेजिस के बारे में, तो जो मैक्रोफेजी सेल्स होती है दीज आर द किलर सेल्स। ये किलर सेल्स होती है और इनका नेचर कैसा होता है, इनका जो नेचर होता है यहाँ पर फैगोसाइटिक नेचर होता है। फैगोसाइटिक सूडोपोडिया निकालिए, और जो भी पैथोजन है फॉरन पार्टिकल है उसको क्या कर लिया हमने यहाँ पर इंगल्फ कर लिया, दैट इज द मुद्दा। व्हाट इट चलिए, तो मैक्रोफेजिस एक तरीके से हमारी इम्यून सेल्स होती है, दीज आर द किलर सेल्स। ठीक है, इम्यूनिटी में क्या होता है, इम्यूनिटी में ऐसा थोड़ी है कि बॉडी में प्रोटीन इकट्ठा हो जाएगा, कैल्शियम इकट्ठा हो जाएगा, मिनरल्स इकट्ठे हो जाएंगे। ये तो एक तरीके का क्या होता है, ये तो एक तरीके का सप्लीमेंट होता है ना, अभी इम्यूनिटी के ऊपर इतना काम चल रहा हो, ये एक तरीके से सप्लीमेंट होते हैं। और ये सप्लीमेंट क्या करते हैं, हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स है उनको एक्टिवेट करते हैं, उनको मजबूत बढ़ाते हैं, मजबूत करते हैं, उनके नंबर्स ऑफ सेल्स को बढ़ाते हैं, एन नंबर ऑफ सेल्स हो जाती है हमारे पास, दैट इज द। ठीक, तो अब ज्यादा मैक्रोफेजिस किलर सेल्स होंगी वो ज्यादा पैथोजन को आइडेंटिफाई करके उनको किल करेगी, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो गया। मान लीजिए ना एक कोई भी पैथोजन उसने अटैक किया तो दो हमारे पास डब्ल्यूबीसी गई, अब यहाँ पर एक पैथोजन अटैक किया 15 हमारे पास डब्ल्यूबीसी चली गई तो उसको जल्दी किल कर देंगे। मेडिसिन भी क्या करती है, ये भी एक तरीके का सिर्फ सप्लीमेंट होती है। ठीक है, बीमारियों से लड़ने का काम हमारे इम्यून सेल्स का ही होता है, हमारे डब्ल्यूबीसी का ही होता है, हमारे मैक्रोफेजिस का ही होता है, मस्ट सेल का होता है, ये दोनों की दोनों हमारी एक तरीके की इम्यून सेल्स होती है, किलर सेल्स होती है। ठीक है, उसके अलावा जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया
कि इनके अंदर ही फिब्रोब्लास्ट भी होते हैं जो फाइबर से रिलीज करते हैं, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट फाइबर, ये फाइबर क्या है, मोस्ट अबंडेंट फाइबर जो है ये फाइबर ही तो कोलेजन है, ये फाइबर ही तो हमारे पास क्या है बच्चों, इलास्टीन है। ये फाइबर्स किस चीज के, प्रोटीन के, मैंने आपको बताया यही हमारे पास कोलेजन और इलास्टीन होते हैं, और ये करते क्या है, एक इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते, क्या करते हैं, एक तरीके से इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते। कई बार क्वेश्चन आता है दो तरीके के फाइबर्स होते हैं बच्चों, एक होते हैं हमारे पास इंटरसेल्युलर फाइबर्स और एक होते हैं इंट्रासेल्युलर फाइबर्स, ये दोनों वर्ड कई टर्म्स में आते हैं, इंटरसेल्युलर फाइबर्स या कोई भी चीज इंटरसेल्युलर हो, और दूसरी होती है मेरे पास यहाँ पर इंट्रासेल्युलर फाइबर। ये मेरी सेल है, ये मेरी सेल है, ये मेरी सेल है और ये मेरी, ठीक। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि इन सेल के अंदर, यहाँ पर एक तो है मेरे पास जो सेल के अंदर है, दीज आर द इंट्रासेल्युलर फाइबर, और इन सेल्स के बीच में है, ये इंटरसेल्युलर सेल्स के बीच में है, तो मेरे यहाँ पर क्या कहलाते हैं बच्चों, इंटरसेल्युलर फाइबर्स कहलाते हैं, ठीक है। समटाइम्स इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या इंटरसेल्युलर डाइजेशन, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, जैसे हम लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ा है, ठीक है, उसमें है। तो ये दोनों के दोनों हमारे पास सबसे पहले बच्चों लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये भी दो तरीके से होता है हमारे पास, एक डेंस रेगुलर टिश्यू और एक होता है डेंस इरेगुलर टिश्यू। होते हैं इनके अंदर भी फाइबर्स है, बट उन फाइबर्स का जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर होता है, किसी इरेगुलर होता है, तो उस हिसाब से मेरे पास डेंस रेगुलर टिश्यू कनेक्टिव भी होता है, और फिर है मेरे पास रेगुलर टिश्यू, ठीक है जी। दो तरीके के टिश्यू, डेंस रेगुलर है और एक डेंस इरेगुलर। देखो सबसे पहले तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करते हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है, जो फाइबर्स होते हैं एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, these are compactly packed, ये compactly packed होते हैं, यानी कि loose नहीं होते, ठीक है जी। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर fibers और ये fibroblast, इस word का meaning समझिएगा, ये question BHU में पूछा गया, ठीक है जी। एक दो जगह वो भी हम ये word पढ़ेंगे, blast, अगर कभी भी कहीं पर blast word लिखा हो देखो, तो blast का मतलब होता है a cell in an activated state of metabolism, ब्लास्ट मींस अ सेल इन एक्टिवेटेड स्टेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो यानी कि एक्टिवेटेड स्टेट में तो क्या रिलीज करेगी, फाइबर रिलीज करेगी, चलो। तो सबसे पहले है डेंस रेगुलर टिश्यू। नॉर्मली क्या होता है, इनके जो फाइबर्स होते हैं उन फाइबर्स का एक पैटर्न होता है, उनका हम लोग क्या देखते हैं, ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन मतलब की अरेंजमेंट, ये देखिए ये हमारे पास जो है कोलेजन फाइबर है जो बेसिकली डेंस रेगुलर टिश्यू है, और इसके अंदर हम ये देखते हैं देयर इज अ पैटर्न, ठीक है, देयर इज अ पैटर्न, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, इसके अंदर पैटर्न होता है, डेंस रेगुलर टिश्यू है, ठीक है। अब ये फाइबर तो हो गए कोलेजन, ये किसके अंदर देखने को मिलता है, इन टेंडन एंड लिगामेंट, टेंडन और लिगामेंट के अंदर ये मेरे को यहाँ पर देखने को मिलता है, so there is a regular pattern,
ठीक है जी, स्पेसिफिक पैटर्न है हमारे पास। तो कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रो बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स, बहुत सारे जो बंडल ऑफ फाइबर्स होते हैं उनके बीच में। इसके एग्जांपल है टेंडन और लिगामेंट। टेंडन का क्या काम होता है? जॉइन मसल्स टू बोन, और लिगामेंट क्या करता है? जॉइन बोन टू बोन। ठीक है, तो दीज आर दी एग्जांपल। उसके बाद में आता है मेरे पास डेंस इरेगुलर टिश्यू। देखिए जब मैं डेंस इरेगुलर टिश्यू के बारे में बात करता हूँ तो इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं? कोई पैटर्न नहीं है। ये फाइबर्स है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर जो है इस तरीके से फाइबर्स है, ठीक है, दीज आर द फाइबर्स, ये हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर जो है फाइबर्स, और यहाँ पर दीज आर दी फाइबर्स बंडल। ये हमारे पास इधर में फाइबर्स बंडल्स होते हैं, ठीक है, दीज आर द फाइबर्स, ये फाइबर्स है। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों स्किन, स्किन के अंदर ऐसा है, ये डेंस इरेगुलर है, इसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं? जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं या फाइबर्स होते हैं ओरिएंटेड डिफरेंटली एंड दिस टिश्यू प्रेजेंट इन स्किन, ये स्किन के अंदर प्रेजेंट है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा लूज कनेक्टिव टिश्यू, हम लोगों ने पढ़ा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो तरीके का, एक रेगुलर होता है, एक इरेगुलर होता है, और तीसरा बच जाता है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम लोग तीन तरीके के एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, जिसमें कार्टिलेज है, बोन है और ब्लड है, द मोस्ट इंपोर्टेंट।